हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, अब आप सब भी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हस्त स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जय माता दी, मेरी डीडी ब्लॉग खिचड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बगल से रिक्शा भाग रहा है, गर्मी लग रही है। तो मैं मामी जी के घर जा रही हूँ। मामी जी ने मुझे बुलाया था फ़ोन करके कि इधर आ जाना, कुछ काम है। तो देखती हूँ जाके क्या है, तो आपको भी दिखाते हैं। तो मिलते हैं फिर मामी जी घर में। मामी जी मुझे घर में तो मिली नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि वो मंदिर में। तो वो मैं जाती हूँ मंदिर में, मंदिर में ही बना रही हूँ ये माला वगैरह। तो वहाँ पर देखते हैं, वो भी मिलाती हूँ, मंदिर के दर्शन कराती हूँ। चलिए, तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। यहाँ है मंदिर में, शायद माँ यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर में। यहाँ पर साईं बाबा जी हैं, यहाँ बैठी है मामी जी। राम राम मामी जी। मैं तो आपके घर गई थी। अच्छा, हाय। अभी आई भी चिया ने बोला। मैं तो अभी बिल्कुल यहाँ पर हम दरी लेने आए थे, तो आपको भगवान जी के दर्शन भी करा देते हैं। नारायण लक्ष्मी भोलेनाथ माता पार्वती इधर है, राम दरबार लक्ष्मण राम सीता भैया जय प्यारे हनुमान जी, इधर हनुमान जी है, इधर पंचमन गणेश है, नौ गणपति नौ। पहले भी ऐसे ही आए थे, ध्यान नहीं आया। पहले अंदर वाले में लगाएंगे। हाँ, आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। पहले थावा मेरे पास है, मैं मेरे पास जितना था मैं ले आई। इसे जाते हैं साई के दरबार में। तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, आ गई। ले ले चिया, 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 ले शीला जी, ये नीचे जैसे लड़ी लगती है ना, सुन उस तरीके। अब आगे भी सजवा दे, दो गले की बना रही हूँ। नहीं हो गई, आपने जितना दगा दिया। इसका भी उपाय है, छोटी हो सकती है। पहले चोला लगेगा, उसके ऊपर लगेगा ये। नहीं नहीं, क्यों, ये हो सकती है ऐसे, डबल डाल देना। हम लोगों ने सबने माला बना दी है। और मामी जी के भाई जो है, मामा जी, तो हाँ मामी के भाई मामा जी तो वो लोग सजावट कर रहे हैं साईं बाबा के दरबार में, जिससे कि कल सुबह 11 बजे साई संध्या शुरू हो जाएगी। और सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं मिलेगा,
तो आज ही पूरी तैयारी कर देंगे शाही दरबार सजा के। तो बस देखिए अब आगे मैं आ चुकी हूँ मंदिर से घर की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। अब सुबह जाना है हमें 11 बजे हम सुबह मंदिर पर मिलेंगे साई सनी में। आपको मिलाते हैं वहाँ पर। ठीक है बाय। दीदी ब्रो खिचड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको मैं मिलाती हूँ हमारे सेलिब्रिटीज देख रहे हैं। आपको जैसे पता ही होगा कि हम मैं कल वहाँ गई थी मंदिर, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने माला मूला बना ये बनाना खा रही है। तो मैंने जब तक नाश्ता बनता है ये बांदर है और जब तक तो मेरे नाश्ता बनाना खा ले तो और जब तक थोड़ा दूध उसके बाद दूध पी लियो एकदम घर से निकल गए हैं। पता है मम्मी कहाँ ले जा रही हूँ, मैं कितना काला लग रहा हूँ। मम्मी कहीं ले जा रही हैं, वहाँ जा रही हूँ। डिम्पल आते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। क्या करना है? आप कैसे देख रहे हो? जरा दूर खड़े हो, ऐसे ही लग रहा है। देखा ये थोड़ी चुन्नी साइड करो, छोड़ यार ऐसे ऐसे करो। चलो आंटी को लेने जा रहे हैं। आंटी आ गई रहती है, वैसे देखा भी होगा आंटी को आपने। वहाँ पर मेरे साथ गई थी ना आंटी 31st के दिन हम पार्टी करने। लग रहा है रुको, ऐसे देखो, ऐसे मेरे को मत देखो ना, कैमरे में देखो, इधर स्क्रीन में देखो। कैसे कर रहे हो मुंह? अरे आँखों में धूप हुआ है। कैसे कर रहे हो? सुंदर लग रहे हैं दोनों। अरे पहली बार ऐसे हम फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। हम आपको एंट्रेंस दिखाऊंगा। बैलून बुलून लगा रखा है, साइड में डाल दें तो शुरू हुआ नहीं है। देखते हैं कब तक होता है। जय भगवान जी की। अरे वो तेल चाहिए होगा, तेल तेल तो ले आए ले। प्रसाद में लग रहा है पर पीछा सब पहले हम बड़ा लेट हो गए। सब के कलावा बन जाएगा, टीका बन जाएगा। Yeah, okay.
कीर्तन चालू हो रहा है। यहाँ पे सेटिंग चल रही है क्योंकि लाइट जा चुकी है तो कहीं और लगा रहे हैं इसलिए, क्योंकि माइक लगवाना है अभी, अभी प्रोग्राम चलेगा 3 बजे तक तो इसलिए माइक की बहुत ज़रूरत है। और माइक तभी चलेगा जब बिजली आएगी। अभी क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आया है इसलिए बिजली आ रही है, यहाँ अंधेरा होगा। लेकिन कुछ कर रहे हैं, पंडित जी के घर से लाइट ले रहे हैं और यहाँ सेटिंग चल रही है। फाइनली लाइट आ गई है। बाबा मैं तेरी कठपुतली, बाबा मैं तेरी कठपुतली, तेरा हुक्म बजाऊंगी, तेरा हुक्म बजाऊंगी, तू पैर हिलाना सांवरिया मैं नाच के जाऊंगी। बाबा मैं तेरी कठपुतली, बाबा मैं तेरा हुक्म बजाऊंगी।
जिराफ आ रहा था ना, अब भजन समाप्त हो गया है तो ये भंडारा हो रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़।